नमस्कार किसान साथियों, आज एग्रीकल्चर रिलेटेड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे शेयर करना ना भूले। पहले तो ये आप बाण देख लें, इसके अंदर इन्होंने खाद ड्रिलिंग कर दी है। पहले खाद की बिजाई ऐसे आटा लोट में की है, बिजाई ऐसे करेंगे सीधे लोट में। ये खाद नीचे डाल दी है इन्होंने 3 इंच मिट्टी के नीचे, दरमियाँ बात करें तो, जिसके कारण हमारी जो पौधे का जर्मिनेशन होगा, उगा होगा, उस टाइम खाद लगेगी। इसके अंदर इन्होंने कोरोमंडली ग्रो प्लस ऊपर डाली है और माला 8 किलो प्रति बीघा और माइक्रो रदा 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बिजाई की है। इन्होंने 7.5 बीघा बाण तैयार कर चुके हैं। इनके अंदर इन्होंने 3 वैरायटी लिया सरसों की, जो मन देख सकते हैं आप। पहले तो 4546 पाइनर की, एडवांटा 414, RH 1975, ये भी आप देख सकते हैं। तीनों का कंपटीशन करा रहे हैं अब की बार। 7.5 बीघा बाण है, ये देखना चाहते हैं अभी क्या यील्ड रहती है हमारे एरिया के अंदर है। और नई वैरायटी जो RS 725 है इन्होंने लगाई थी, उसके मुकाबले इनकी यील्ड कम निकली, ज़्यादा निकली। आज RS 1975 का क्या रहता है प्रभाव, तो हमारे किसान साथी से पूछना चाहते हैं। पहले तो इनका परिचय, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना पहले तो गांव और नाम बता दें जी। मेरा नाम जयपाल जानी, गांव मोटा सरखुनी, तहसील घसीमपुर। आप ये 3 वैरायटियां लगा रहे हैं, कंपटीशन करा रहे हैं आपसे के अंदर। हाँ जी भाई, क्या देखना चाहते हैं अभी क्या यील्ड रहती है? तीनों में से पता चल जाएगा कौन सी अच्छी है। कौन सी अच्छी है? आपने कोई DAP की बिजाई की है तीनों के अंदर? नहीं जी, कोई DAP नहीं। आपने जो सभी में खुराक दी है बेसल डोज, वही इसमें खुराक दी है? जैसे कि आप कल बिजाई कर रहे थे इसके अंदर है, आपने खाद की बिजाई की है कोरोमंडली ग्रो प्लस 1 बैग। हाँ जी। और उसके साथ है माला 8 किलो। हाँ जी। और माइक्रोराजा 2 किलो, माँ बूस्टर 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यही बिजाई की आपने। ये वीडियो अटैच करके आपको दिखा देंगे जी, ये बिजाई कर रहे थे कल, इन्होंने सारे खाद की बिजाई करके ऊपर आपने आज स्वागत लगा दिया सुबह जल्दी, और अब आप ये तीनों वैरायटियों की बिजाई कर रहे हैं दरमियान, मतलब 2-2 बीघे, 1.5-2 बीघा जो भी बिजाई हो रही है। बीज ड्रिलिंग कितनी रख रहे हैं, 400 ग्राम या 500 ग्राम? 400 ग्राम। 400 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आप बीज ड्रिलिंग कर रहे हैं। जहाँ पे आपका ट्यूबवेल का पानी लग रहा है वहाँ पे इतनी रख रहे हैं, मतलब आप मानते हैं अभी 300-350 ग्राम हमारे एरिया के अंदर सूटेबल है, बढ़िया बीज एकदम संगनी हो जाती है। 14 इंची के अंदर आप बिजाई कर रहे हैं। अब ये डबल कोठारी की मतलब मशीन है, इसमें एक कोठारी आपने बीज लिया है, वो बिट्टी वाली मशीन, डबल कोठारी वाली मतलब मशीन नहीं लिया आपने, खाद बीज पहले सिंगल कर दिया आपने। खाद से आप बिजाई करते हैं अपने, क्या फायदा होता है अपने खेत में? खाद से बिजाई का बहुत फर्क है, बिजाई से तो उगाव बहुत अच्छा है, उगाव बहुत अच्छा होता है। पूरे पत्ते चौड़े और बढ़िया खुराक मिलती है पौधे को नीचे से ही, जब अपने खाद पहले बीज देंगे अपने जर्मिनेशन के टाइम अपने पौधे को खुराक लग जाएगी। आप ये हर साल करते हो नए नए ट्रायल? अब ये अब की बार आपने पिछले साल ये ट्रायल किया खाद सिंगल बीजने का, तो उससे आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिला सरसों में। अब की बार फिर आपने वही कर दिया सिंगल, तो आपको देखकर किसान भाई के ट्रायल करते हैं तो वो आपको अच्छा है। ये तीनों वैरायटियां आप देख सकते हैं, और किसान भाइयों ये बाण देख लो आप, पूरे बढ़िया एकदम इन्होंने तैयार कर चुके हैं। अभी ये बिजाई करने वाले थे साथियों ने कहा भी हमें देख सकते हो भी बी ड्रिलिंग हमने कितनी कर रहे हैं, और ये हम इन्होंने पहले 45 डाल भी लिया मशीन के अंदर, और साथ ही जो पड़ोस के अंदर है वो भी RS 1975 की बिजाई कर रहे हैं आज, तो आज काफ़ी RS 1975 की बिजाई हो रही है खूब। हिसार यूनिवर्सिटी की प्रचलित वैरायटी ये मानी जा रही है, अभी अच्छी यील्ड देगी। और ये बीज आपने मतलब जहाँ पे मार्केट में परचेज किया, तो राइस नगर तेजस बीज भंडार से आपने परचेज किया ये बीज, तेजस बीज भंडार से आपको ये बीज मिल गया जी। तो आप ये बीज किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे नई वैरायटी के प्रति? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भी हर चीज एक बार बीज के जरूर देखें, ट्रायल जरूर करें नई वैरायटी का। अब पिछली बार आपने गेहूं लगाई हमारे कहने के मुताबिक है, तो गेहूं की यील्ड अच्छी रही आपके खेत के अंदर? खूब रही। तो नई वैरायटी लास्ट में एक पानी भी नहीं दिया था, लास्ट में पानी नहीं दिया, पानी देते तो अच्छी और भी यील्ड आती आपको मंदा, इसी बाण के अंदर थी गेहूं। धन्यवाद जी आपसे मिलकर जयपाल जी, हमें भी अच्छा लगा। तीनों वैरायटी कंपटीशन में लगा रहे हैं, और किसान साथी देख सकते हो बाण एकदम तैयार है, 1FF मोटा सरखुनी के अंदर। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो जानकारी चल गया शेयर करना ना भूलें।